नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। मित्रों, ज्योतिष में कोई भी फल बहुत गहराई के साथ में निकाला जाता है और बहुत सारी चीज़ों को सोचना होता है। अब आप ये देखिए कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बड़ा महत्व होता है। कोई भी इंसान जब कोई स्टेप उठाता है, बड़ा निर्णायक जो लाइफ चेंजिंग होता है, तो उसमें किस प्रकार के विचार उसके मन मस्तिष्क में आते हैं। एक माँ बाप के जो मन के मन में विचार होते हैं कि ठीक है, बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनकी शादी ब्याह हो जाएं और अपना सेटल हो जाएं, इनका जीवन बढ़िया चले। एक लड़के के मन में ये विचार होते हैं कि शादी तो करूँगा पर पहले सेटल तो हो जाऊँ, कुछ बैंक बैलेंस हो ताकि उसको खुश रख सकूँ। तो कुछ जन्मपत्री में स्थान ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका को अदा करती है। और इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपसे मैं चर्चा भी कर चुका हूँ कि जैसे हमारे इस बॉडी में अगर हमारी आँखें ना हों तो इस पूरे शरीर का अस्तित्व बेकार है। अब क्यों मैंने अस्तित्व शब्द प्रयोग किया कि आप बहुत सुंदर हैं, सब कुछ हैं, पर आपके पास आंखें ही नहीं दी भगवान ने देखने को, आप इस सुंदर दुनिया को, नेचर को देख ही नहीं पा रहे हो, तो एक तरीके से आप खंडित हो गए। ऐसे ही अगर आपके शरीर का मिड पार्ट, ये पेट, ये ही आपका ठीक ना रहे, इसमें ही पीड़ा हो, इसकी पूर्ति ना हो पाए, तो भी आप को समस्याएं रहेंगी। आपके घुटने हैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं शरीर का, जो पूरे शरीर के वजन को सहते हैं, इनमें ही पीड़ा हो तो आप दुखी हो जाएंगे। तो वो मेन चीज़ें, मेन हिस्से जिन पर शरीर टिका हुआ होता है, जिन पर से शरीर चलता है, हमारी पिंडलियां पूरे शरीर के वजन के भार को झेलती हैं, हमारे घुटने भार को झेलते हैं, हमारा हेड हर समय प्रेशर में रहता है क्योंकि राउंड द क्लॉक ये सोचता रहता है। कितने सिस्टमेटिक वे से भगवान ने शरीर को बनाया। मैं आज आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जन्म पत्री के अंदर इन 12 भावों में कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो पिलर के रूप में काम करते हैं हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन का लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है, जो हमें हर समय टटोल टोल के कहते रहते हैं कि हाँ, ये अपने ट्रैक से मत भटकना। जैसे भाग्य, नवम भाव, ये त्रिकोण का भाव है, यहाँ पर रहकर ग्रह मजबूत होता है। पंचम भाव, ये त्रिकोण का भाव है, ये संतान का घर है, ये धन का घर है, ये बुद्धि का घर है। बिना बुद्धि के, बिना धन के आप जीवन नहीं जी सकते, ये एक यथार्थ सत्य है। अगर आपके पास अच्छा बुद्धि नहीं है, आपका सोचने का जो विजन है वो अच्छा नहीं है, ऐसे ही बिना भाग्य के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, संघर्ष करते रह जाते हो पर आगे नहीं निकल पाते। तो यहाँ पर ये पंचम और नवम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये बताऊँगा कि एक तरफ बुध, शुक्र और मंगल, तो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज हैं कुंभ राशि में और शुक्र, बुध और मंगल हैं मिथुन में। तो इन चार ग्रहों का एक तरफ तीन, एक तरफ एक, एक नव पंचम राजयोग बन रहा है। कुंभ राशि से गिनते हैं तो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो कुंभ राशि से मिथुन पड़ी पांचवी, तो इसलिए पंचम हो गया। ऐसे ही मिथुन के आगे गिने तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, वृश्चिक के बाद धनु, मकर और कुंभ। तो जब हम मिथुन राशि से कुंभ राशि को गिनते हैं तो नौवीं राशि पड़ती है। तो यह जो नव पंचम राजयोग है ये शुभ हो गया और शुभ ग्रहों से ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए बहुत कुछ निर्णायक भूमिका अदा करने जा रहा है। किन किन राशियों के लिए करने जा रहा है ये चर्चा का विषय रहेगा। तो आइए मित्रों,
शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले बताता हूँ मेष वालों, जितने भी दर्शक इस समय मेष की हमें सुन रहे हैं, आपके लिए बीमारी का खतरा टलेगा। सबसे बड़ी बात, कोई बीमारी चल रही थी या कोरोना चल रहा था तो वो टल जाएगा। एक सुकून है स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, लाभ के लिए भी और साथ में आपके विल पावर के लिए भी। वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा इस नव पंचम राजयोग में, आपको पैसा आने वाला है बहुत ज़बरदस्त, और ये समय आपके लिए धन लाभ से आर्थिक रूप से काफ़ी पॉजिटिव है। कर्म की गति को बढ़ाने वाला रहेगा, मेहनत परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा, इसलिए आपके लिए भी मैं इसको बेहतरीन कह सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट कर्क राशि के दर्शकों, आपके लिए जो नव पंचम राजयोग रहेगा इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बेहतरीन योग बन रहा है। किसी भी प्रकार की पीड़ा आपको चल रही थी तो उसके नकारात्मक फल में कमी देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा गोचर बन रहा है। मिथुन राशि के दर्शकों, आपकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार यह जो राजयोग बनेगा इसमें आपका भाग्य और आपका मान सम्मान, ये दोनों ही चीज़ें मजबूत होंगी। इस नज़रिए से समय अच्छा है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लाभ ही लाभ होने जा रहा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र वो आपके मिथुन राशि में रहेंगे। इसके अलावा सुख साधनों के स्वामी बुध मिथुन में रहेंगे, लगन में, और फिर ऐसी सिचुएशन में नव पंचम राजयोग बनना जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए स्वास्थ्य लाभ की जो स्थिति है वो काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है, बीमारी का प्रकोप कम होगा और आप अपने आप को मजबूत भी महसूस करेंगे। इसके अलावा जो ये राजयोग आपके लिए है इसमें मूल रूप से आपको प्रॉफिट और दाम्पत्य सुख, लव लाइफ, पार्टनर के साथ आपका व्यवहार और ग्रह गोचरीय स्थिति कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाली है। इसमें आपको अकस्मात कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील आपकी साइन हो सकती है, ये मैं कहना चाहूँगा। तुला के दर्शक जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए इस नवपंचम राजयोग में विशेष रूप से जो बेनिफिट होगा वो आपकी एजुकेशन, संतान सुख, मंत्रणा शक्ति, आपकी लेखन कला, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आपको अकस्मात धन लाभ, क्योंकि आपके लिए ये नव पंचम राजयोग एक राशि के लिए यानी कि आप ही की राशि के लिए डबल पावर से रिजल्ट देगा, क्योंकि एक तो पंचम नवम भी हैं और पंचम नवम स्थान में भी बैठे हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक इस समय तुला के मुझे सुन रहे हैं आपके लिए ये समय अच्छा है। मित्रों, इसके बाद नेक्स्ट राशि कन्या रहेगी और आपकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी कन्या वालों, इसमें विशेष रूप से जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो दो चीज़ों का है। पहला, यदि कोई तनाव आपको गंभीर सरकारी रूप से चल रहा है, कोई मुकदमे पुलिस केस की तरफ से चल रहा है या फिर कोई पारिवारिक या कोई कर्जे को लेकर ऐसी कोई समस्या चल रही है तो उसमें कटुता देखने को मिलेगी, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा और साथ ही कर्म की जो गति होगी वो आपकी मजबूत होगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस बात को लेकर के भी आप बिल्कुल निसंकोच रहें। मित्रों, अब बात करते हैं वृश्चिक। जो भी जातक इस समय वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए नवपंचम राजयोग हेल्थ के इशू ख़त्म करेगा और जो गुप्त चिंताएं बनी हुई हैं उसको समाप्त करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब ये जो नवपंचम राजयोग है, जो मतलब एक तरफ तीन है एक तरफ एक ग्रह बैठा है, इसमें इसका जो प्रभाव रहेगा वो 2 जून तक है। उसके बाद 5 जून से ये नवपंचम राजयोग और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसकी ताकत और अधिक बढ़ जाएगी, इसलिए अभी तो लंबा चलना है, पर इसमें से 2 ग्रह आउट हो जाएंगे और 5 तारीख से फिर ये गुरु और शुक्र का रह जाएगा। मित्रों, आइए अब नेक्स्ट राशि की बात करते हैं और आपको बताते हैं धनु। गोचरीय स्थिति के अनुसार आपके लिए ये राजयोग धैर्य, साहस, पराक्रम, मित्र सुख, भाई बहनों का सुख
और साथ में यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य को कोई हानि चल रही है या आपके स्वयं को कोई हानि चल रही है या परिवार के लोगों को चल रही है या आपके भाई बहनों को चल रही है, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी और ग्रहों का जो सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये कहना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट राशि मकर, आपके ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार आपके लिए नव पंचम राजयोग आर्थिक रूप से समृद्धि लेकर के आएगा और जो कर्जा वगैरह है वो कुछ कम होगा और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेंगे। स्वास्थ्य वृद्धि, त्वचा रोग, जिन लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव, सर में दर्द, इस प्रकार की पीड़ा रहती है उनको भी यहाँ पर सुकूनदेह स्थिति का आनंद प्राप्त होगा। कुंभ के दर्शकों, आपके लिए नव पंचम राजयोग बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि ये लगन में और पंचम भाव में बनेगा, ऐसे में ये अकस्मात आपको कुछ गेन दे करके चला जाएगा, ये कहना चाहता हूँ आपसे। और आप बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे, बच्चों के साथ, संतान के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होगा, एक अच्छी स्वस्थ संतान प्राप्ति का योग बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार की ग्रह गति बन रही है। मीन के जो दर्शक हैं उनकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी उसमें नव पंचम राजयोग, फिर वही कहूँगा, हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे शुभ दिखाई देता है। आपको कोई गंभीर रूप से पीड़ा चल रही है तो उसमें कमी आएगी और आपका मन और आपका व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये है आज का फल, ये है इस नव पंचम राजयोग का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल हैं, तो आप फ़ोन पर फी डिपॉजिट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।